प्रिय शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी विषय के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह पाठ है क्रोध। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक सुप्रसिद्ध निबंध है। आपने अध्ययन सामग्री में इस पाठ को पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसे अब सरल तरीके से, रोचक तरीके से और विस्तार से आपके सामने रखेंगे। इसका लक्ष्य यह है कि आप इस पाठ को और आसानी से समझ सकें। इस पाठ में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि क्रोध को एक मनोविकार के रूप में शुक्ल जी ने प्रस्तुत किया है, और क्रोध के कारणों के बारे में, क्रोध की उत्पत्ति के बारे में एक अलग दृष्टि दी है उन्होंने। हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्रोध जैसा मनोविकार किस प्रकार हानिकारक होता है और किन किन परिस्थितियों में लाभदायक भी होता है। इस पाठ पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश। आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राय साहब। शिक्षार्थियों, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम क्रोध विषय पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं और उसके विभिन्न पक्षों को आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि शुक्ल जी का जो क्षेत्र रहा है निबंध और समालोचना का, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में उसका कितना महत्व है? जी, दरअसल शुक्ल जी ने आलोचना तो लिखी ही है, उसके साथ साथ वो द्विवेदी युग के बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार भी हैं, और निबंध लेखन के क्षेत्र में उन्होंने आलोचना भी लिखी है। और उस आलोचना के साथ साथ जो साहित्य की पृष्ठभूमि होती हैं, भाव, उन भावों पर भी उन्होंने अनेक निबंध लिखे हैं। और उस समय में जब हिंदी में जो निबंध लिखे जाते थे वो ज़्यादातर हास्य और विनोद के निबंध लिखे जाते थे, उस समय में शुक्ल जी ने मनोविज्ञान पर आधारित ये निबंध लिखे हैं। और इनका योगदान सबसे बड़ा ये है कि साहित्य के विद्यार्थी को ये निबंध बताते हैं कि जिस साहित्य को आप पढ़ने जा रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि मनोविज्ञान की है। और शुक्ल जी अपने इन निबंधों के द्वारा हम सबको ये समझाना चाहते हैं कि ये जो मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारे भाव होते हैं, इन भावों की क्या भूमिका होती है। संस्कृत काव्य शास्त्र में जिसे रस कहा जाता था, वो एक पुराना काव्य शास्त्र था। शुक्ल जी ने साहित्य का एक नया काव्य शास्त्र लिखा और भावों को समझाते हुए उन्हें साहित्य से जोड़ा। तो ये बहुत बड़ा योगदान है शुक्ल जी का निबंध के क्षेत्र में, कि वे हमें बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि साहित्य को समझने के लिए इन भावों को भी समझना बेहद ज़रूरी है। इसमें जो इन्होंने विषय लिया क्रोध को, जी, तो यह भी एक आश्चर्य होता है साहित्यकारों को कि ऐसे विषय को क्यों लिया उन्होंने। जी जी जी, क्रोध भी उसी तरह से एक मनोविकार है या भाव है जिस तरह से प्रेम है, हास्य है, करुणा है, ईर्ष्या है, लज्जा है, ग्लानि है, उत्साह है, मित्रता है। तो आप ये पाएंगे कि साहित्य का जो क्षेत्र है वो इनमें, इनसे जुड़ा हुआ है सभी भावों से। शुक्ल जी की मूल स्थापना ये है कि समाज में अक्सर कुछ भावों को अच्छा माना जाता है, कुछ को बुरा माना जाता है। जैसे समाज में प्रेम है, दया है, करुणा है, मित्रता है, इन सब को बहुत महत्व दिया जाता है, और क्रोध और घृणा, इन दो भावों को ये माना जाता है कि ये बुरे भाव हैं। लेकिन शुक्ल जी का ये मानना है कि भाव न अपने आप में अच्छे होते हैं न बुरे होते हैं, उनकी अच्छाई और बुराई इस बात पर निर्भर करती है कि वो समाज के लिए कितने उपादेय हैं, उनका योगदान क्या है समाज के लिए। तो शुक्ल जी ने जब ये खोज की कि इन भावों की सामाजिक भूमिका क्या है, तो क्रोध को भी उन्होंने इस रूप में सामने रखा कि क्रोध की बुराइयां तो हैं ही हमारे लिए, लेकिन समाज के लिए उसकी कुछ अच्छाई भी है,
इसी को दिखाने के लिए उन्होंने इस मनोविकार की चर्चा की, इसका स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट किया, इसके इसकी जो हानियां हैं उनको भी बताया, लेकिन उसके साथ साथ ये समाज के लिए ज़रूरी क्यों है इसकी भी उन्होंने चर्चा की। जी, तो इसमें शुरू में हम जानना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या क्या है, जी उसे हम देख लेते हैं। जी, दरअसल मेरे ख्याल से आप पाठ के उद्देश्य की बात कर रहे हैं। दरअसल आज जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज की बहुत समस्याएं हैं। हम अपने मनोभावों को किस तरह से प्रस्तुत करें, उन पर किस तरह से काबू रखें, अपने आप पर किस तरह से संयम रखें। कभी कभी हम बहुत आवेग में आ जाते हैं, तो उस आवेग पर नियंत्रण कैसे रखें, ये एक कौशल है हमारे जीवन का। इस कौशल की प्राप्ति हम तभी कर पाएंगे जब हम भावों के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो इस पाठ का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि ये पाठ हमें ये बताता है कि क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है, उस उत्पत्ति के कारण क्या हैं, क्रोध के लाभ क्या हैं और उसकी हानियां क्या क्या हैं, इसके साथ साथ समाज के लिए वो क्या काम करता है, अच्छा और बुरा किस रूप में होता है। फिर अगर ये निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो हम निबंध की विशेषताओं पर चर्चा कर सकें, विचारात्मक निबंध क्या होता है ये बता सकें, और इस विचारात्मक निबंध की भाषा शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं इन पर चर्चा कर सकें, ये इस पूरे पाठ का एक उद्देश्य है जिसको समझते हुए हम इस पाठ को पढ़ें। इसमें हम शुरुआत करते हैं, जैसा आपने बताया कि कई उद्देश्य हैं इसके। जी, तो सबसे पहले सामाजिक जीवन में क्रोध का क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा करते हैं। दरअसल शुक्ल जी ने ये बताया है कि दुख के चेतन कारण या साक्षात्कार, दुख का जो चेतन कारण होता है या तो हम उसका साक्षात्कार करते हैं या साक्षात्कार नहीं करते तो उसका अनुमान करते हैं। तो जब हम दुख के चेतन कारण का साक्षात्कार या अनुमान करते हैं तो उसके बाद जो भाव हमारे मन में आता है उसे क्रोध कहा जाता है। इस बात को इस रूप में समझें कि अगर हमें ये पता लगे कि सामने वाला व्यक्ति हमारे दुख का कारण है तो हमें उसके ऊपर गुस्सा आएगा। एक तो व्यक्तिगत स्थिति होती है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे दुख का कारण है, इसलिए हमारे क्रोध का आलंबन है, हमारे क्रोध का भी कारण है। अब इस पूरे समाज में दुख दो तरह के होते हैं, एक किसी व्यक्ति को दुख देना और एक पूरे समाज को दुख देना। हम सब लोग ये जानते हैं, हम चूंकि सामाजिक लोग हैं इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व उसका है जो इस पूरे समाज को दुख दे रहा है। तो अगर समाज को दुख देने वाला व्यक्ति है और उसके प्रति क्रोध नहीं हो रहा है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए क्रोध की सबसे बड़ी भूमिका ये होती है कि वो समाज के या व्यक्ति के दुख का निवारण करने वाला एक भाव है। निवारण करने वाला भाव इसलिए है कि जैसे ही हमें ये पता लगता है कि एक व्यक्ति समाज के लिए अच्छा नहीं है तो हमें उस पर गुस्सा आएगा। और शुक्ल जी ने ये भी बताया है कि जो भाव होते हैं वो निष्क्रिय नहीं होते। जब हमारे मन में कोई भाव उमड़ता है तो हम कुछ करने के लिए तत्पर होते हैं। जैसे हमारे भीतर क्रोध आएगा तो क्रोध के कारण हम उस क्रोध का निवारण भी करना चाहेंगे। और कैसे करेंगे निवारण, कि जिसके प्रति क्रोध है उसको हम उसका विरोध करेंगे या उसको कष्ट पहुंचाएंगे। अब मामूली स्थितियों में किसी को कष्ट पहुंचाना या किसी का विरोध करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप इसे इस रूप में देखिए कि कोई दुष्ट व्यक्ति है जो समाज का विनाशकारी है तो उस पर तो हमें क्रोध करना चाहिए। इसलिए क्रोध की एक बहुत बड़ी सामाजिक उपयोगिता ये है कि वो समाज को दुख से बचाने का काम भी करता है। इसलिए हर स्थिति में क्रोध कोई बुरी चीज नहीं है। अगर क्रोध के कारण समाज की रक्षा हो रही है
समाज के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, इस समाज में रहने वाले लोगों को बचा पा रहे हैं, तो क्रोध होना चाहिए। और शुक्ल जी ऐसे क्रोध का पक्ष लेते हैं और यही क्रोध की हमारे लिए उपादेयता है। इसके लिए शुक्ल जी ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे उन्होंने राम के क्रोध का उदाहरण दिया है, उन्होंने कृष्ण के क्रोध का उदाहरण दिया है, शिशुपाल वध की जो घटना है उसका उल्लेख शुक्ल जी करते हैं। अब राम अगर रावण पर क्रोध करते हैं, शुक्ल जी का कहना है वो तब भी सुंदर लगते हैं, क्योंकि रावण बुराइयों का प्रतीक है। और हम सब जानते हैं कि जो लोग बुरे व्यक्ति पर क्रोध करते हैं वो कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, लक्ष्य बड़ा होता है, लक्ष्य बड़ा होता है, लक्ष्य के पीछे समाज के प्रति करुणा है। इसीलिए शुक्ल जी ने क्रोध को करुणा से भी जोड़ा है और ये कहा है कि जिसके मन में समाज के प्रति करुणा होगी उसके भीतर दुष्ट व्यक्तियों के लिए क्रोध भी होगा, जैसे कि राम का क्रोध है और कृष्ण का शिशुपाल के प्रति क्रोध है। तो ये जो उदाहरण हैं इनके माध्यम से शुक्ल जी ये हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। कुल मिला के शुक्ल जी लोक मंगल की बात करते हैं क्रोध के माध्यम से और कहते हैं कि जो प्रत्येक भाव होता है हमारा वो लोक मंगल के लिए होना चाहिए। प्रेम भी है, प्रेम हर स्थिति में अच्छा थोड़ा ही होता है। अगर दुष्ट व्यक्ति पर आप प्रेम करने लगें, उसके प्रति दया दिखाने लगें, उसके प्रति लगाव दिखाने लगें तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए भावों की समाज में अपनी एक भूमिका होती है और क्रोध की भी एक भूमिका है, इसे आप अच्छी तरह से अब तक जान गए हो। इसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि अगर प्रतिकार के लिए क्रोध किया जाता है जी जी तो वो हानिकारक है। वो हान शुक्ल जी ने एक उदाहरण दिया है इस निबंध में प्रतिकार का कि मान लीजिए हम एक रेल में यात्रा कर रहे हैं और दो लोग बैठे हुए हैं, किसी एक व्यक्ति ने दूसरे को थोड़ा बहुत कष्ट दिया और जब वो कष्ट देने वाला व्यक्ति ट्रेन से उतरने लगा तो उतरते उतरते उस पहले व्यक्ति ने उसको एक थप्पड़ मार दिया, इसको प्रतिकार कहा जाता है। क्योंकि इस प्रतिकार में आगे कोई संभावना नहीं है कि वो व्यक्ति कष्ट देगा। एक क्रोध ये है कि हमारा पड़ोसी है और रोज रोज वो हमें गालियां दे रहा है, उसकी गालियां सुनकर भी हम किसी दिन उसको थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन उस थप्पड़ मारने में और पहले थप्पड़ मारने में बहुत अंतर है। पहला प्रतिकार है और दूसरा क्रोध है, क्योंकि दूसरे में भविष्य में फिर से दुख न हो इससे बचने की इच्छा है। तो प्रतिकार, हालांकि शुक्ल जी ने यह भी कहा है कि इस पूरे समाज में जो क्रोध है वो अक्सर प्रतिकार के रूप में ही देखने में आता है, ज्यादातर जो हमें दिखलाई पड़ता है क्रोध वो प्रतिकार के रूप में ही दिखलाई पड़ता है, लेकिन ये दो पक्ष हैं, एक प्रतिकार है और एक सचमुच में क्रोध है। क्रोध में असल में भविष्य में अनिष्ट से बचने की इच्छा होती है, प्रतिकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां लगभग बदला लेने वाली स्थिति थी कि भविष्य में उसका कुछ नहीं होना, जो अतीत में हो चुका है, जो पहले घटित हो चुका उसका बदला वो व्यक्ति थप्पड़ मारकर ले रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें एक सवाल ये उठता है कि क्रोध करने वाले की मनोवृत्ति क्या होती है। हाँ, अभी जैसा एक तो हमने ये बताया विभिन्न तरह की मनोवृत्तियां होती हैं क्रोध करने वाले व्यक्ति की। शुक्ल जी ने बड़े विस्तार से क्रोध के रूपों के उदाहरण दिए हैं इस निबंध में। आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे इस निबंध को तो आप देखिए कि कितने बारीकी से, मतलब कहना ये चाहिए कि शुक्ल जी ने इस समाज में रहने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखा है और बिना ध्यान से देखे हुए इस तरह का निबंध लिखा नहीं जा सकता। और अनुभव प्रसूत है। माने क्षेत्र तो मनोविज्ञान का है, मनोविज्ञान अपने आप में एक शास्त्र है, लेकिन शुक्ल जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो शास्त्र को आचरण से जोड़कर उस शास्त्र में कुछ नई चीजें हमें दे देते हैं और व्यवहार से जोड़ देते हैं। और इतनी आसान भाषा में ऐसे उदाहरण दे देकर वो हम समझाते हैं कि देखिए आप जिन जिन चीजों को क्रोध समझते हैं असल में वो सब क्रोध के एक से रूप नहीं है, उसकी भिन्नताएं हैं। वो जैसे अभी हमने एक प्रतिकार की बात की, एक पड़ोसी
पर गुस्से आकर उसे गुस्से में आकर थप्पड़ मारने वाली बात की, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि कभी कभी अगर क्रोध में अनुमान नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता क्रोध करने वाले के प्रति, अगर ज्ञान नहीं है, हमारा बोध नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्रोध करने वाले की क्रोध जिसके कारण हो रहा है उसकी प्रकृति क्या है, तो हम क्रोध में अंधे हो जाएंगे। ये भी बताया उन्होंने। जैसे उन्होंने एक चाणक्य ब्राह्मण का उदाहरण दिया, वो विवाह करने जा रहा था तो रास्ते में उसके पैर में घास चुभने लगी, सूखी घास चुभने लगी। अब उसे भी एक क्रोध आया, तो उसने क्रोध में आके क्या किया कि उस घास में मट्ठा डाल दिया। एक दूसरा उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो है वो चूल्हा फूंक रहा है और लकड़ियां जल नहीं रही हैं, उसे गुस्सा आया और उसने क्या किया, उस चूल्हे में लाके पानी डाल दिया। अब आप ये देखिए कि शुक्ल जी ने पहले तो ये स्थापित किया कि क्रोध में ये ज्ञान होना चाहिए कि जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसकी स्थिति क्या है। यहां ये दोनों व्यक्ति भूल गए हैं कि जिस पर हम क्रोध कर रहे हैं वो कोई चेतन वस्तु तो है नहीं, माने जो घास है चुभने वाली वो कोई चेतन वस्तु नहीं है, उसे किसी वो आपको जानबूझ के तो कष्ट दे नहीं रही है, वो तो उसकी प्रकृति है कि सूख गई तो पैरों में चुभेगी, इसका निवारण घास नहीं कर सकती। चूल्हा अगर गीली लकड़ियां हैं तो वो आपके गुस्से से थोड़ी जलने लगेंगी, वो नहीं जलेंगी। तो शुक्ल जी ने बताया ये भी क्रोध होता है, लेकिन इस क्रोध में एक खास तरह का अज्ञान है। एक क्रोध वो होता है कि हम अपने से ज्यादा जो ताकतवर व्यक्ति है उसकी ताकत का अंदाजा नहीं कर पाते हैं और उस पर क्रोध करने लगते हैं। शुक्ल जी ने कहा यह मूर्खता है। एक व्यक्ति अगर 20 लोगों को लेकर आप पर आक्रमण कर दे तो आप उस पर क्रोध नहीं दिखाएंगे ना। अगर क्रोध आप दिखाने लगे उस पर तो शुक्ल जी ने कहा आप मारे जाएंगे, तो ये तो क्रोध में मारा जाना हुआ, जबकि क्रोध का लक्ष्य क्या होता है, रक्षा करना। तो एक क्रोध ही ये है। फिर उन्होंने बच्चे की बात की कि जो छोटा बच्चा होता है 3-4 महीने का, उसमें भी ज्ञान नहीं होता, वो जो कारण और कार्य होता है उसमें संबंध नहीं स्थापित कर पाता है, तो आप उसे अगर मारने के लिए हाथ भी उठाएंगे तो वो हंसने लगेगा क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, तो वो क्रोध भी नहीं कर पाएगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए, बच्चे को शुरू में ज्ञान होता है मां से संबंध का, उसे जब भूख लगती है तो मां उसे दूध पिलाती है, फिर उसे जब भूख लगती है तो ये पहचानने लगता है कि मां के कारण मुझे भूख लग रही, मेरी भूख शांत होगी, तो जब वो दूध नहीं पिलाती है तो वो चीखता चिल्लाता है, वो भी एक क्रोध है क्योंकि अभी उसे पता लगना शुरू हुआ है कि मेरे दुख का कारण मां है। तो जहां अज्ञान है वहां अगर आप क्रोध करते हैं तो वो क्रोध नहीं है, उसमें कई स्थितियां पैदा हो सकती हैं। आप क्रोध में आके पत्थरों को अगर तोड़ने लगे तो उस क्रोध का क्या कहेंगे, वो क्रोध तो नहीं है सचमुच में। इसलिए शुक्ल जी ने कहा क्रोध में ज्ञान का होना जरूरी है। इसमें जैसे प्रयोग किया है इन्होंने कि उग्र चेष्टाएं होती हैं, हाँ, या जो मनोवेग होता है वो ज्यादा होता है। जी जी जी, दरअसल शुक्ल जी ने ये कहा है कि क्रोध जो है वो शांति को भंग करने वाला एक मनोविकार है, और जैसे ही हमारे भीतर, दरअसल ये जो हमारे मनोविकार होते हैं ना, इनकी अलग अलग चेष्टाएं होती हैं। प्रेम की चेष्टाएं वही नहीं होंगी जो क्रोध की होंगी, दया की चेष्टाएं वो नहीं होंगी जो क्रोध की होंगी, करुणा की चेष्टा वो नहीं होगी जो क्रोध की होगी। हालांकि कभी कभी एक दूसरे के साथ भी आ सकते हैं, जैसे किसी अबला को कोई व्यक्ति सता रहा है तो इसमें दो भाव एक साथ आएंगे, एक दया और दूसरा क्रोध। उस अबला पर हमें दया होगी और सताने वाले पर क्रोध होगा, तो क्रोध भी जरूरी है और दया भी जरूरी है। इसी तरह से समाज की रक्षा के लिए हमें करुणा होनी चाहिए और क्रोध भी होना चाहिए, लेकिन क्रोध एक ऐसा मनोविकार है
जिसमें आवेग इसलिए होता है कि जब हमारे भीतर क्रोध आता है तो हमारी जो कार्रवाई होती है वो त्वरित तेज होती है, हम कुछ करने के लिए तत्पर होते हैं, इसीलिए क्रोध को प्रबल आवेग वाला भाव कहा। अभी हमने जो दो उदाहरण दिए ना कि एक जो है वो घास में मट्ठा डाल रहा है जड़ों में ताकि ये घास नष्ट हो जाए, दूसरा चूल्हे में पानी डाल रहा है, ये प्रबल आवेग है क्रोध का। तो क्रोध चूंकि हमसे कोई कार्यवाही तेजी से करवाता है इसलिए उसे हम ये कहते हैं कि वो प्रबल आवेग वाला भाव है। इसी के साथ साथ शुक्ल जी ने एक उदाहरण और दिया है कि एक होता है अपना सिर फोड़ लेना क्रोध में, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको गुस्सा आता है तो वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो अपने को ही कष्ट देने लगते हैं। लेकिन ये किस स्थिति में होगा? ये उस स्थिति में होगा जब हम ये पहचान जाएंगे कि हमारा सर फोड़ने से सामने वाले को कष्ट होगा। जैसे कभी कभी हमारे बच्चे जो होते हैं वो गुस्से में आके अपने को कष्ट देने लगते हैं हमारे सामने, तो हमें कष्ट होता है ना, तो वो दिखता तो क्रोध के रूप में है लेकिन वो क्रोध न होकर एक खास तरह का मनोविकार है, वो भी कष्ट दे रहा है दूसरे को। लेकिन क्या करके दे रहा है? दूसरे को कष्ट देके कष्ट नहीं दे रहा है, अपने आप को कष्ट देकर कष्ट दे रहा है। इसी तरह से एक चिड़चिड़ाहट का भाव है, शुक्ल जी ने बताया है कि जो चिड़चिड़ाहट का भाव होता है उसमें व्यक्ति अपने मन में ही रहता है और कुछ चीज़ों की सफलता जब उसे प्राप्त नहीं हो पाती है तो परेशान सा रहता है और बात बात पर खींचता है, और कभी कभी लोग उसे चिढ़ाने भी लगते हैं उसके बार बार खींचने पर। तो ये अपने आप पर खींचना, सफलता न मिलना, परेशान सा रहना, उद्विग्नता में रहना, ये जो चिड़चिड़ाहट है ये भी कभी कभी क्रोध के रूप में दिखलाई पड़ती है। इसमें अमर्ष और क्रोध का अंतर भी बताया उन्होंने। जी जी, उन्होंने अमर्ष और क्रोध का अंतर भी बताया है। और कभी कभी ये लगता है, अमर्ष दरअसल एक संचारी भाव की तरह है जिसमें नाराजगी और गुस्सा होता है, अमर्ष में भी वो लगता है जैसे क्रोध के नज़दीक है, लेकिन अमर्ष की विशेषता ये है कि वो जो अपना कष्ट है हुआ तो किसी दूसरे के कारण है, जाहिर सी बात है कष्ट, लेकिन उस दूसरे का ध्यान नहीं रहता, अपने ही कष्ट को याद कर करके व्यक्ति परेशान सा होता रहता है, तो उसे तो अमर्ष कहते हैं। लेकिन जब कष्ट देने वाले पर त्योरियां चढ़ती हैं तो उसे क्रोध कहते हैं, है ना। जब आदमी अपने ही भीतर रहता है और अपने कष्ट को, जैसे इसको उदाहरण इस रूप में दिया जा सकता है कि हम बार बार सोचें देखो उस व्यक्ति ने हमारा कितना बुरा कर दिया, और उस बुरे को याद कर करके हम और अधिक कष्ट में रहें, तो ये तो अमर्ष होगा। लेकिन जब हम बुरा करने वाले व्यक्ति का विरोध करें, उसे भला बुरा कहें, तो वो क्रोध होगा। तो शुक्ल एक और शब्द इन्होंने एक वाक्य प्रयोग किया है कि वैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है। जी बहुत, ये इतना प्रसिद्ध वाक्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और ये मामूली वाक्य नहीं है। माने ये वाक्य वही लिख सकता है जिसने चीजों को बड़े ध्यान से देखा हो, ऐसे उदाहरण जो लिख ले निबंध के भीतर उसे तो हमें महान निबंधकार ही कहना चाहिए। शुक्ल जी ने यह कहा है कि वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। हम सब लोग जानते हैं कि अचार और मुरब्बे के बनने की प्रक्रिया क्या होती है, वो एक दिन में तैयार नहीं होता, उसे बहुत समय लगता है। तो अचार और मुरब्बा बनने के लिए एक समय चाहिए। ठीक उसी तरह से कभी कभी क्रोध भी वैर में या शत्रुता में पर्यवसित हो जाता है समय के अनुसार। जैसे एक तो वो प्रतिकार था कि एक थप्पड़ मारा और चीजें खत्म, क्रोध भी खत्म। लेकिन एक स्थिति ये होती है कि किसी के प्रति अगर हमारा जो क्रोध है या गुस्सा है वो लगातार बहुत लंबे समय तक बना रहे,
समाप्त ना हो जाए बल्कि लंबे समय तक बना रहे, तो ऐसी स्थिति में वो क्रोध क्या हो जाएगा, वो वैर बन जाएगा। उससे हमारे समय तक जब हम क्रोध को पालते हैं जी, तो वैर का रूप ले लेते हैं। जैसे अचार पक जाता है और अचार बनता है, मुरब्बा बहुत समय बाद पक कर मुरब्बा बनता है, वैसे ही किसी के प्रति अगर हमारे मन में क्रोध लगातार बना रहे, स्थायी हो जाए किसी के प्रति क्रोध, तो वो वैर बन जाता है, शत्रुता बन जाता है। इसीलिए शुक्ल जी ने बड़े बहुत आसानी से समझा दिया कि वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। इसमें थोड़ी सी बात हम भाषा शैली के बारे में कर लेते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, शुक्ल जी का ये जो निबंध है ये एक विचारात्मक निबंध है, और विचारात्मक निबंध में शुक्ल जी कई बार समाज शैली का प्रयोग करते हैं। समाज शैली का मतलब ये होता है कि एक वाक्य में बहुत कुछ कह देना, इसे हम सूत्र शैली भी कह सकते हैं। शुक्ल जी ने कई ऐसे वाक्य लिखे हैं इसमें, जैसे एक तो अभी आपने बताया कि जो वैर है वो क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये एक सूत्र है, और इस सूत्र को जब आप खोलेंगे तो खोलते चले जाएंगे और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे आप एक वाक्य पाएंगे इसमें दंड भी एक कोप है, यानी क्रोध है ना, दंड भी एक क्रोध है, और उसमें बाद शुक्ल जी बात करते हैं राजदंड की और लोकदंड की, और उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वो लोकदंड को, और ये कहते हैं कि राजदंड को भी लोकदंड के अनुकूल होना चाहिए, यानी राजदंड जो है, राज का क्रोध जो है वो लोक के लिए होना चाहिए, कुछ खास व्यक्तियों के लिए नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से जैसे वो कहते हैं कि क्रोध जो है वो बड़ा फुर्तीला मनोविकार है, इसी तरह से वो कहते हैं क्रोध जो है वो शांति भंग करने वाला मनोविकार है, ये सब सूत्र वाक्य हैं। तो ये कहना चाहिए कि शुक्ल जी इस निबंध में सूत्र शैली का प्रयोग करते हैं। शब्दावली के स्तर पे किस तरह का है? शब्दावली के स्तर पर शुक्ल जी के बारे में प्रसिद्ध है कि शुक्ल जी को संस्कृत का बहुत ज्ञान था उनको, इसलिए वो जगह जगह संस्कृत की शब्दावली का प्रयोग बहुत करते हैं। जैसे अनिर्वचनीय है, समाहार है, बहुत सारे ऐसे शब्द आप इस PPT में देख सकते हैं जहां आप देखेंगे कि तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग शुक्ल जी ने किया है। इसी तरह से मुरब्बा है, झल्लाहट है, ये जो सारे शब्द आप देख रहे हैं, ये सारे शब्द आप देखिए तो आप ये पाएंगे कि शुक्ल जी जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ देशज शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं, और खूब करते हैं, अपनी आलोचना में भी करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। तो इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इस निबंध में मुहावरों के प्रयोग बहुत हुए हैं, दांत पीसना, जड़ों में मट्ठा डालना। वैसे तो यहाँ ये मुहावरे के रूप में नहीं है क्योंकि यहाँ सचमुच में जड़ों में मट्ठा डाला, लेकिन कभी कभी ये भी होता है, प्रयोग भी होता है, दांत खट्टे कर देना। तो ये सारे निबंध आप सामने देख सकते हैं, सारे मुहावरे इस निबंध में आप देख सकते हैं जो आपके सामने हैं। इसके साथ साथ आप किसी भी निबंध को पढ़ें तो बहुत सारी व्याकरणिक कोटियाँ होती हैं, उनको ढूंढ सकते हैं। जैसे इस निबंध में आप उपसर्ग और प्रत्यय को देखें, ये शब्द आपके सामने हैं जो उपसर्ग से बने हुए हैं, प्रत्यय से बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि मिश्र वाक्य कहाँ आया है, सरल वाक्य कहाँ आया है, और संयुक्त वाक्य कहाँ आया है। तो अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए शुक्ल जी ने भाषा शैली को उसी तरह से बरता है जैसा उनको बरतना चाहिए था। ये सभी उनकी भाषा शैली की विशेषताएँ इस निबंध में आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, आपने देखा कि क्रोध निबंध पर विस्तार से चर्चा की गई और उसके विभिन्न पक्षों को आपके सामने रखा गया। मैं वेद प्रकाश जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय को बड़े रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। सामान्य तौर पे यह कठिन निबंध माना जाता है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने ये कोशिश की कि आपको इस निबंध को आसानी से समझने में, उसे ग्राह्य करने में सुविधा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।